आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर होता क्या है? सिंपल सी हम किस चीज़ क्या बोलते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम वो होगा जो लिक्विड और वेपर्स के इन बिटवीन एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब देखो, वेपर प्रेशर सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन को स्टडी करना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कि सिंपली द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, ठीक है। नो डाउट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर। बट देखो, इसके कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम कैसे इसको समझते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है। अगर सपोज करो हमारे पास, हम ड्रॉ करते हैं, हमने क्या लिया, एक क्लोज कंटेनर लिया और इसमें हमने कुछ लिक्विड को फिल कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये लिक्विड फिल कर दिया। अब देखो, जो ये लिक्विड है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, हर जगह पे क्या है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो ये लिक्विड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट सरफेस, ठीक है। दीज आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस। ये मॉलिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट हुआ, इन द बल्क, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ सोल्यूशन। अब देखो, जो ये कंटेनर है, ये क्या है, एक क्लोज्ड वेसल है। अब देखो, जो सरफेस वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेस काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, दे लीव द सरफेस, और ये सरफेस को लीव करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ये वेपर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। देखो, हमारे पास टू कंसेप्ट होते हैं, हमारे पास टू प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास इवेपोरेशन और एक हमारे पास होता है वेपोराइजेशन। दोनों के बीच में बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे जो प्रोसेस हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। और जबकि वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड वेपर्स अबव बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, ठीक है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है, वेपोरेशन और वेपोराइजेशन, जो कि हमें पता होना चाहिए। अब देखो, हम बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर की, वहाँ पे हमने अपने डेफिनेशन में कहा कि एट इक्विलिब्रियम लिक्विड और वेपर्स के इन बिटवीन इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, और हम किस टाइम पे कहते हैं कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। अब देखो, यहाँ पे इस चीज़ में हमारे पास क्या है, हमने ये, ठीक है, यहाँ पे इन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम थी। ये अपने सरफेस को लीव कर देते हैं और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये वेपर्स, क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल है, तो ये वेपर्स क्या रहेंगे, ये, ठीक है, यहाँ पे ही रहेंगे, वेसल में प्रेजेंट रहेंगे। अब देखो, फिर ये क्या करेंगे, जब ये वेपर्स, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स की फॉर्मेशन हो जाती है और ये कंटेनर के सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है, दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो मतलब देखो, पहले हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा था, इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन क्यों हो रहा था हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स है वो चेंज हो रहे थे किस में, वेपर्स में चेंज हो रहे थे। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा था, दैट इज़ इवेपोरेशन। बट बाद में जैसे ही जो ये वेपर्स इसके जो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक किए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब आपके पास, अब हमारे पास इस कंटेनर में टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट इज इवेपोरेशन एंड सेकंड इज कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे एक टाइम होगा कि पहले इनिशियली क्या था, कंडेंसेशन का जो रेट था दैट इज ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन एक स्टेज पे आके कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के।
ठीक है। अब देखो जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंटेनर में क्या हो रहा होगा, कुछ क्या होंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे और कुछ क्या होंगे वेपर्स, मतलब उस टाइम पे लिक्विड और वेपर्स के इन बिटवीन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और उस टाइम पे जो वेपर्स होंगे उनके प्रेशर को हम क्या कहेंगे, जो वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी हमने अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, तो हम इसको और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। इतनी चीज समझ में आई है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है, ये इसकी डेफिनेशन का मतलब होता है, ठीक है। अब देखो इसके बात करते हैं हम कि अगर हमें वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना हो, मेजरमेंट करना हो, तो हम वेपर प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेपर्स कितने प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ये क्लोज्ड वेसल ली थी, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके साथ मैनोमीटर को अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ हम मैनोमीटर को अटैच कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। सपोज करो हमने इसको इस तरीके से हमने मैनोमीटर को अटैच कर दिया, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो मरकरी का लेवल होगा वो सपोज करो ये था, ठीक है। मरकरी का लेवल कितना था, इतना था, इक्वल, दोनों लिम्स में जो मरकरी का लेवल है वो बिल्कुल इक्वल था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये वेपर्स, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वेपर्स यहाँ पे एंटर होना स्टार्ट करेंगे, तो जो मरकरी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मरकरी का लेवल राइज होना स्टार्ट होगा, सपोज किया कि ये लेवल यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये यहाँ पे जो वेपर्स एंटर हुए तो इसका प्रेशर यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका लेवल राइज हुआ, ठीक है। तो अब देखो जो यहाँ पे जितना राइज होगा, ठीक है, और एक स्टेज एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लेवल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर ये लेवल कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इस मरकरी कॉलम की हाइट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम मैनोमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि वेपर प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो वेपर प्रेशर को, तो देखो हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई एक्सिस पे रेट, रेट वर्सेस टाइम हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो क्या है, स्टार्टिंग से ही हो रहा है ना, मतलब अगर हमने जो ये क्लोज कंटेनर लिया था, ठीक है, उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन तो स्टार्टिंग से हो रहा था, मतलब जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, हर टाइम पे। बट इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन इनिशियली क्या था, जीरो था, ठीक है, और फिर टाइम के इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज। और एक स्टेज ऐसी आती है जब दोनों ही जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। तो ये कौन सी स्टेज है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। तो वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, ठीक है, ऑन ए ऑफ अ लिक्विड ऑन इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम किसके बीच में एस्टैब्लिश होता है, लिक्विड और वेपर्स के इन बिटवीन। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा वेपर्स की फॉर्मेशन होगी, अगर ज़्यादा वेपर्स की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो नेचर ऑफ लिक्विड में कैसे डिपेंड करता है, हो सकता है हमारे पास देखो टू टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं, लेस वॉलेटाइल मोर वॉलेटाइल, ठीक है। हो सकता है कोई लिक्विड नॉन वॉलेटाइल हो, वो एक अलग चीज़ है, पर अगर जो क्योंकि जो लिक्विड वॉलेटाइल होगा तो हमारे वो जो लिक्विड वॉलेटाइल होगा उसी का उसी के वेपर्स बनेंगे और उन्हीं का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब देखो जैसे हमारे पास लेस वॉलेटाइल मोर वॉलेटाइल, जो मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं दे हैव हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर होगा क्योंकि उनके बीच में क्या होगी, दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जबकि मेरे पास जो लेस वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं उनके उसके इनके केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर। क्लियर है इतनी चीज़। उसके बाद देखो इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
देखो हमने जैसे स्टडी किया कि जो इवेपोरेशन होता है और वेपराइजेशन होता है, ठीक है. इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है. वेपराइजेशन ही इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना. क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो एक सरफेस फिनोमिना नहीं है, ठीक है. कई बार हम ये सोचते हैं कि वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, एक सरफेस फिनोमिना होगा क्योंकि वेपर्स क्या होंगे, ठीक है. बट वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमिना नहीं है, ठीक है. इट इज़ अ वेपर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, इट इज़ अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. आप देखो यहाँ पे कहता है कि फॉर अ गिवन लिक्विड वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एंड साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट. कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास वन लीटर वाटर है और एक हमारे पास 5 लीटर वाटर है, तो हम ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर होना चाहिए. ऐसा नहीं होता, ठीक है. और ना ही हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर है वो साइज और शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है. चलो ठीक है, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये, अब हम इसे समझते हैं कि ये क्यों क्यों इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता. सपोज़ क्या, हमने एग्जांपल लिया, हमने 2 कंटेनर्स लिए. ये दोनों कंटेनर्स ये दिखने में ऐसे लग रहे हैं पर दोनों कंटेनर्स क्या हैं, सेम साइज़ के हैं, ठीक है. ये दोनों कंटेनर क्या हैं, सेम साइज़ के हैं इस तरीके से, ठीक है. पर हमने क्या लिया, दोनों में क्वांटिटी जो ली है लिक्विड की वो डिफरेंट ली है. एक कंटेनर में हमने 1 लीटर लिक्विड लिया और सेकंड कंटेनर में हमने 5 लीटर लिक्विड लिया. अब देखो यहाँ पे इनके जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, ज़्यादा है. अब यहाँ पे पर दोनों में क्या है, नंबर ऑफ जो ये आपके पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या है, सेम है. तो यहाँ पे वेपर जो प्रेशर जो वेपर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इक्वली बनेंगे, सेम बनेंगे. तो क्वांटिटी पे तो डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि वेपर्स तो किसके बनते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल से बनते हैं. अब सरफेस वाले मॉलिक्यूल से अगर वेपर्स बनेंगे, इट मींस जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड. क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है. तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हो गया जो हमने कहा था कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड. सेकेंड चीज़ हमने कहा था कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है. सपोज करो हमने यहाँ पे 3 वेसल्स लिए हैं, ठीक है, जिनका जो हमारे पास शेप और साइज़ क्या है, इनकी दोनों की डिफरेंट है, ठीक है. देखो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, और ये हमने, ठीक है, इसकी शेप भी हमने डिफरेंट ली है इस केस में, लाइक दिस. अब देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या सोचते हैं कि इस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. क्यों सोचते हैं हम ऐसा, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सरफेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ठीक है, तो वेपर्स भी ज़्यादा बनने चाहिए. अगर वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए. इस केस में सरफेस मॉलिक्यूल्स कम है तो वेपर प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है. बट ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो हमने अभी स्टडी किया है कि जो वेपर प्रेशर में यहाँ पे सिर्फ इवेपोरेशन प्रोसेस ही नहीं होता, साथ में कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस भी होता है. तो देखो जितना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी तो होगा, ठीक है. और जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आएगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा लिक्विड और वेपर्स के इन बिटवीन, उस टाइम पे जो वेपर्स का अमाउंट होगा वो क्या होगा, हर एक केस में फिक्स. पर इस केस में हमें क्या लेनी है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सेम लेनी है. अगर हमने यहाँ पे एक लेयर लेनी है, मतलब ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे हमने 1 लेयर ऑफ लिक्विड लिया है, तो यहाँ पे भी 1 लेयर होनी चाहिए, यहाँ पे भी 1 लेयर होनी चाहिए, ठीक है. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो ना तो अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है और ना ही साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करता है, ठीक है. क्लियर है. तो ये हमारे पास क्या था, वेपर प्रेशर का कंप्लीट कंसेप्ट था. तो वेपर प्रेशर हमें पता होना चाहिए इन एक्चुअल में कि होता क्या है, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो हम, ठीक है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसेस फॉर्म, ठीक है. लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट. बट हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे वेपर प्रेशर लिक्विड का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर.
ठीक है। अब देखो इसे समझते हैं कि हम बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। हमने इस तरीके से लिया, सपोज लिया हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इसमें हमने कुछ, यहाँ पे हमने कुछ लिक्विड लिया, इस लिक्विड को फिल किया। यहाँ पे हमने लगाई हुई है पिस्टन लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाई हुई है, पिस्टन लगाई हुई है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज़ 5 एटमॉस्फेयर, हमारे पास एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है। हम अब देखो लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर है, ठीक है। हमने मान लिया कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है सपोज करो वो है 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे क्या करना स्टार्ट करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड राइज होगा। अगर ये लिक्विड राइज होगा तो यहाँ पे ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है, कि ये पिस्टन थोड़ा सा क्या कर गया, यहाँ पर इस तरीके से मूव हो गया, ठीक है। इसका लेवल भी राइज कर जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो लेवल है पिस्टन का वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये पिस्टन का लेवल कांस्टेंट कब होगा, जब इसका प्रेशर, यहाँ पे भी प्रेशर कितना हो जाएगा, 5 एटमॉस्फेयर। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉरी दैट लिक्विड। आई चीज़ समझ में। तो हमारे पास इसी तरीके से है, तभी हमने ये डायग्राम इसी तरीके से बनाया हुआ है कि यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और उस टाइम पे हम क्या कहेंगे उसे, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास 2 टाइप का होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास होता है 1 एटमॉस्फेयर तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारे पास जो प्रेशर होता है 1 bar तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया डायग्राम में, ठीक है। सपोज करो ये क्या है, सपोज करो हमने यहाँ पे 0.2 एटमॉस्फेयर है जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 2 एटमॉस्फेयर। इस केस में लिक्विड का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो क्या है, 1 एटमॉस्फेयर, और इसमें क्या है, आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर सेम है, 2 एटमॉस्फेयर। तो किस केस में हमें लिक्विड को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा इसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल लेके आने के लिए, इस केस में, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1.8 एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स जब वेपर प्रेशर लिक्विड का कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसे ज़्यादा हीट करना पड़ता है। तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लेस वॉलेटाइल लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लेस वॉलेटाइल लिक्विड होगा तो उसके वेपर्स क्या करेंगे, उसके वेपर्स कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर की कंडीशन, एक्सटर्नल प्रेशर ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा उतरेगा, सपोज करो अगर एक्सटर्नल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर हो गया तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज हो जाएगा, अगर 4 एटमॉस्फेयर हो गया तो और इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही स्टडी करेंगे। आज की क्लास में हमने 2 कंसेप्ट को स्टडी किया, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, ठीक है। ये कंसेप्ट देखने में बड़े सिंपल से लगते हैं, है भी इजी, बट इन्हें हमें अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर हम जो नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं।